दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ की जियोग्राफी। आवर एनवायरनमेंट, इसका फर्स्ट चैप्टर आज शुरू होने जा रहा है और फर्स्ट चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। क्या है दोस्तों? एनवायरनमेंट का हिंदी मीनिंग पर्यावरण। क्या है दोस्तों? पर्यावरण। अब पर्यावरण एक्चुअल में है क्या? पर्यावरण हमारे चारों ओर पाई जाने वाली हर एक चीज़, चाहे वो आपकी बैठने के लिए कुर्सी, लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, कुछ भी जो भी आपको नज़र आता है वह सब आपका पर्यावरण है। आइए शुरू करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, अगर लंबी छुट्टियों के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, रवि ने स्कूल जाना शुरू किया दोबारा, ही नोटिस दैट, उसने ध्यान दिया, द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, कि उसके स्कूल से आगे ही जो एक प्ले ग्राउंड था, खेलने का मैदान था, उसको खोद दिया गया है। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर, लोगों का कहना था कि वहाँ पर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनेगी जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट्स बनाए जाएंगे। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि बिल्कुल रोने ही वाला था, उसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। व्हेन ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया, दैट द बिग प्लेग्राउंड, इतना बड़ा मैदान, विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, अपनी मुलायम घास रखता था, मैरीगोल्ड गेंदे के फूल थे, एंड बटरफ्लाई, जो तितलियाँ भी घूमती जाती थी, इज गोन फॉर एवर, वह हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने अपने क्लास के दोस्तों के साथ, क्लास के बच्चों के साथ अपनी ये भावनाओं को बांटा। इन द असेंबली, सुबह मॉर्निंग प्रेयर में भी, द प्रिंसिपल टू, प्रधानाचार्य ने भी सैडली ऑब्जर्व, बड़े दुखी आवाज़ में कहा, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। इन द क्लास, क्लास में, रवि आस्क्ड हिज टीचर, रवि ने अपने टीचर से पूछा, क्या पूछा? सर व्हाट इज एनवायरनमेंट, सर ये एनवायरनमेंट होता क्या है, ये पर्यावरण है क्या? अब टीचर ने जवाब दिया, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, तुम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हो वह सब पर्यावरण है। रवि थॉट अहेड, रवि थॉट अलाउड, रवि ने तभी जोर से पूछा, दैट मीन्स, इसका मतलब द स्कूल बिल्डिंग, हमारे स्कूल की इमारत, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, और वह खुला मैदान भी, द रोड, ये कूड़ा करकट, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, हम सब, वी ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, क्या ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है? यस, हाँ, टीचर ने कहा, बट वेट, लेकिन सुनो, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ वस्तुएं तो प्रकृति ने बनाई हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और जानवर, कुछ लोगों ने बनाई हैं, फॉर एग्जांपल सड़कें, गाड़ियाँ, कपड़े और किताबें। नाउ वर्क इन पेयर, अब ग्रुप में बटो और एक काम करो, मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ, विद योर क्लासमेट, अपने क्लास के साथी के साथ मिलकर, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर, कि प्रकृति ने कौन सी चीज़ें बनाई हैं और इंसानों ने कौन सी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़िए, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हमारा पर्यावरण है वह हमारा बेसिक, बिल्कुल नींव वाला सिस्टम है, नींव प्रणाली है, सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम सहायक प्रणाली है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, यह हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, द वाटर वी ड्रिंक, पीने के लिए पानी देती है, खाना खाने के लिए, और भूमि रहने के लिए हमें इसी पर्यावरण से मिलता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे सुधार सकते हैं या कैसे इसमें बदलाव ला सकते हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, जो गाड़ियों का धुआं होता है वह हवा को प्रदूषित करता है।
पानी हम बर्तन में भर लेते हैं, फूड बर्तन में सर्व करते हैं, एंड लैंड और जो धरती है उस पर हम फैक्ट्री बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मानव ने गाड़ियाँ बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई और बर्तन बनाए। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाइड नेचुरल एनवायरनमेंट। और इस तरीके से इंसान ने इस पर्यावरण को तब्दीली करने का प्रयास किया है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, वरुण एक्साइटेड, वो सब बड़े उत्तेजित थे अबाउट मेकिंग द लिस्ट, वह लिस्ट बनाने के लिए। क्या आप लोग भी उत्तेजित हो लिस्ट बनाने के लिए? अगर वाकई हो तो एक लिस्ट बनाओ कि जो प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं और जो आप लोगों ने बनाई हैं। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? आस्क इकबाल। इकबाल ने पूछा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, यह सब हमारी जरूरत बढ़ने की वजह से बदल रहा है। दे आर, ये हैं जरूरतें क्या हैं? दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और हमारी जरूरतें दिन ब दिन बहुत बढ़ रही हैं। वी आर दे आर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। अब टीचर ने जवाब दिया कि हमारी ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, इसलिए हम इस पर्यावरण को बदलने की या सुधार करने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी तो इसको नष्ट भी कर देते हैं, डेस्ट्रॉइंग, कभी कभी इसको नष्ट भी कर देते हैं। आइए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक या किस किस से मिलकर पर्यावरण बनता है वो चीज़ देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ये रहा, ठीक है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है ह्यूमन मेड, जो मानव ने चीज़ें बनाई हैं, इंसान ने चीज़ें बनाई हैं। एक बनता है प्रकृति से मिलकर, प्रकृति ने क्या चीज़ें बनाई हैं, और एक बनता है मानव से मिलकर, मानव से मिलकर। अब प्रकृति से क्या क्या मिला? प्रकृति से हमें मिली चार चीज़ें। एक तो हमें मिला पानी, एक मिली हवा, एक मिला जमीन, और एक मिली लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। चार टर्म दी गई हैं, हाइड्रोस्फीयर पानी को, हाइड्रोस्फीयर हवा को, एटमोस्फीयर लैंड को, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर बोला गया है लिविंग थिंग्स के लिए। अब देखते हैं मानव ने क्या क्या बनाया। मानव ने बनाई बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पार्क्स, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। अब इसके साथ साथ मानव कैसे हमारा हिस्सा है पर्यावरण का। एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति, उसका परिवार, एक से उसके धर्मपत्नी, उसके बच्चे, वो हो गई फैमिली। फैमिली के बाद जब एक पूरा मोहल्ला बना, वो बना एक कम्युनिटी, एक समुदाय, उससे बने धर्म, धर्म से बनी शिक्षा, शिक्षा से आर्थिक व्यवस्था, और अर्थव्यवस्था से या आर्थिक से पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसमें कि आ जाता है आपका देश। ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर की बातों को सुनकर यू अंडरस्टैंड, आप समझ जाते हो दैट द प्लेस, वह जगह, पीपल वे लोग, और थिंग्स वे चीज़ें, एंड नेचर प्रकृति दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी एक जीवित वस्तु के चारों ओर पाई जाती है, उन सबको मिलाकर एनवायरनमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, यह एक प्राकृतिक और मानवीय द्वारा रचित, इन दोनों दोनों से मिलाकर बनने वाली एक इलाका है, एक आप कह सकते हो एक आवरण है, एक आवरण है जिसको आप पर्यावरण कहते हो। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ, जो कि प्राकृतिक या नेचुरल एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, वह रेफर करता है बायोटिक एंड अबायोटिक, जीवीय और अजीवीय, जीवीय
और अजीवी है दोनों ही परिस्थिति में जो कि इस पृथ्वी पर अस्तित्व में हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स, अबायोटिक होती हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि आपकी लैंड। ठीक है दोस्तों, आइए। सो एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स, जो मानव का पर्यावरण है ऊपर प्राकृतिक पर्यावरण है एबायोटिक एंड अबायोटिक जो कि इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है, उसी तरह ह्यूमन एनवायरनमेंट जो मानव पर्यावरण है वह रिवील उजागर करता है दी एक्टिविटीज सभी क्रियाकलापों को, क्रिएशंस बनाई गई चीज़ों को एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स, और एक दूसरे से मानव जैसे संबंध रखते हैं मिलते जुलते हैं वह सब भी इस पर्यावरण का ही हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि जो ये एनवायरनमेंट वर्ड आया ये आया कहाँ से। एनवायरनमेंट वर्ड आया है एक फ्रेंच वर्ड होता है एनवायरनर या एनवायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, और नेबरहुड का मतलब कैसा होता है कि पड़ोस कैसा है आपका अपना पड़ोस। तो नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक पर्यावरण, लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स भूमि पानी हवा पेड़ पौधे और जानवर कंप्राइज, ये सब मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यू आर फैमिलियर, आप इससे अच्छी तरह परिचित हो विद द मीनिंग, इनके मतलबों से, किससे लिथोस्फियर से, किससे लिथोस्फियर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फियर, हाइड्रो मतलब कि पानी की बात हो रही है, जलमंडल एटमोस्फियर वायुमंडल, और बायोस्फियर जैव मंडल। हमने पढ़ा था अभी जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, अपनी 6th क्लास में भी आपने सब चीज़ें पढ़ी हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स, आइए कुछ और कारक इनके बारे में जानते हैं। लिथोस्फियर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फियर है, जो स्थलमंडल है, यह ठोस सतह है, सबसे ऊपर वाली बिल्कुल ठोस सतह है आपकी पृथ्वी की। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, यह चट्टानों से और मिनरल्स से बनी है। एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सोयल, और मिट्टी की एक बारीक सी परत से ढकी हुई है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स वैलीज एक्सेट्रा, और यह एक इरेगुलर फॉर्म है मतलब कि उबड़ खाबड़ स्थिति में पाई जाती है, कहीं पर इस पे कोई पहाड़ हैं, कहीं समतल हैं, कहीं कोई प्लेट्यू हैं, कहीं घाटियां हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स, और जो भूमि है यह पाई जाती है कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप पर और महासागरों के तल में भी यह भूमि पाई जाती है। लिथोस्फियर इज द डोमेन, लिथोस्फियर जो स्थल मंडल है यह वह क्षेत्र है दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, जो हमें जंगल देता है, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग घास के मैदान देता है जानवरों को चराने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर जमीन देता है खेती करने के लिए, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स और मानव को देता है बस्तियां बसाने के लिए। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यह मिट्टी या वह स्थलमंडल बिल्कुल समृद्ध है मिनरल से भी, धातुओं से भी, किससे मिनरल्स या धातुओं से भी समृद्ध पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि कहीं पर कॉपर मिलता है, कहीं पर आयरन मिलता है, तो ये सब मिनरल्स हैं जो इस मिट्टी में हमें मिलते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, वह क्षेत्र जहाँ पानी मिलता है या पानी का क्षेत्र जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, इसमें पानी के सभी स्रोत मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनता है।
एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और पानी के स्रोत में क्या क्या आता है, रिवर, नदियाँ, लेक्स, झरने, सीज, समुद्र, ओशियन, महासागर, ये सब मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है हर एक जीवित प्राणी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द एटमोसफियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर, और जो एटमोसफियर है, जो वायुमंडल है, वह एक बहुत बारीक सी परत है हवा की, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट, उसने इस वातावरण या इस वायुमंडल को अपने चारों ओर रोक के रखा हुआ है। इट प्रोटेक्ट अस, यह हमें बचाती है किससे, फ्रॉम द हार्मफुल रेज, फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, सूरज की नुकसान देने वाली किरणों से या सूरज की तिल मिलाती गर्मी से हमें बचाता कौन है, यही एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, यह मिलकर बनता है बहुत सारी गैसेस से, डस्ट, धूल, मिट्टी से, एंड वाटर वेपर, और पानी की बूंद से या पानी की भाप से। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और जब जब इस वायुमंडल में बदलाव होता है, तब तब हमारे मौसम और जलवायु में भी बदलाव होते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जो वनस्पतियां और जानवर हैं, इन दोनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड, और जो भी ये सजीव संसार है, ये मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ, यह बहुत ही नैरो जोन और संकरा कटिबंध है हमारी पृथ्वी का, जहाँ पर भूमि, पानी और हवा एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं, जीवन को सपोर्ट करने के लिए, जीवन को सहयोग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक पढ़ा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।